तो बेटा देखो, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। देखो, जब टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो एक बात ध्यान रखते हैं कि हमने जो पर्सन की कैटेगरी डिवाइड की है वो तीन पार्ट में डिवाइड की गई है, ठीक है। वो भी किस भी और पर एज के। पहला है आपका एज जो है आपकी 18 से 60, तो आपने क्या मान लिया है, आपने मान लिया इसको नॉर्मल पर्सन, ठीक है। फिर दूसरा है आपका एज ग्रुप जो बिलोंग करता है 60 में, जिसको आपने क्या माना है, सीनियर सिटीजन। फिर जो एज ग्रुप बिलोंग करता है 80 से प्रभु इच्छा वाले में, जिसको आपने क्या बोला है, सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक। आइए हम लोग ध्यान देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक। अच्छा, एक बात ध्यान रखोगे सब लोग, प्रेजेंटेशन के लिए कल जो अपलोड किया गया आप, ठीक है ना। आओ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक में। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ श्रीमती मनोरमा देवी, ठीक है। मनोरमा देवी की इनकम दी गई। देखोगे यहाँ पर एसएससी कौन है, प्रीवियस ईयर कौन है, असेसमेंट ईयर क्या है, ये सारी बात आप इसी तरह प्रेजेंट करोगे, ठीक है। देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में, इनकी बेसिक सैलरी कितने की है, 15,000 रुपये पर मंथ की, तो 12 महीने में कितना हो गया इनका, 1,80,000 रुपये। उसके बाद देखो दूसरा कह रहा है, हर एम्प्लॉयर हैड प्रोवाइडेड हर विथ एन अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इन दिल्ली एट 6,000 पर एनम। फेयर रेंटल वैल्यू जिसकी है 30,000 पर एनम, ठीक है। चेक करेंगे हम लोग आरएफए। देखोगे आरएफए का जब वैल्यूएशन करते हो आप, अगर उसमें देखो हाउस किसका है, एम्प्लॉयर ने अनफर्निश्ड एकोमोडेशन दिल्ली में प्रोवाइड किया, 6,000 रुपये पर एनम उसका खर्चा है। फेयर रेंटल वैल्यू 30,000 पर एनम। तो देखोगे अगर 15% ऑफ सैलरी है ना, 15% सैलरी कितने, सैलरी चेक की हमने 1,80,000, उसका 15% कितना आ गया हमारा, 27,000 रुपये आ गया, ठीक है। एक्चुअल रेंटल वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, 30,000 रुपये। तो दोनों में से लोअर क्या है, लोअर है आपका 27,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर सैलरी का मतलब केवल किससे है, बेसिक सैलरी से, ध्यान रखोगे। अब ध्यान दो कि 6,000 रुपये इम्प्लॉय से आपने रिकवर कर लिया है, तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना आ गया, 27 माइनस 6। आप यहाँ पर देखोगे लिखोगे रेंट फ्री एकोमोडेशन आरएफए में, टोटल सैलरी हमारी कितनी आ गई, 2,01,000 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन 61A का माइनस कर दोगे 50,000 रुपये का, तो हमारा नेट सैलरी कितनी, नेट टैक्सेबल। उसके बाद आगे बढ़ोगे आप देखोगे उसके इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, ये सब कहाँ टैक्सेबल होंगे, अदर सोर्स में। 50,000 का 10% कितना होगा भाई, 5,000 रुपीज़। राजस्थान गवर्नमेंट में उसने गवर्नमेंट लोन में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है 24,000 का, 24,000 का 10% कितना हो गया, 2,400 रुपये हो गया। 60,000 है, 10% एफडी अकाउंट है, 5 ईयर के लिए एफडी लिया उसने, 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000, ठीक है। ये तीनों लिख लोगे। आगे वो कह रहा है सी ओन अ हाउस विच हैड बीन लेट आउट ₹2,000 पर मंथ, बट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू 2,250 रुपये पर मंथ। म्यूनिसिपल टैक्स दिया 3,000 रुपये पेड बाय हर, स्पेंड करें 100 रुपीज कलेक्शन ऑफ रेंट पेड, 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द रिन्यूइंग दी हाउस। तो देखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू कितने की है, 2,000 की है। फेयर रेंटल वैल्यू कितने का, 2,250 का। हायर क्या है देखो, इसमें से 2,250, 12 महीने कितना आ गया, 27,000 रुपया। म्यूनिसिपल टैक्स 3,000 का पेमेंट कर दिया है, नेट एनुअल वैल्यू कितने की आ गई, 24,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया अंडर सेक्शन 24 का, लिख लो यहाँ पर अंडर सेक्शन 24, ठीक है। तो 24 का ए है आपका 30% ऑफ एन ए वी, 24,000 रुपये का आपने 30% कैलकुलेट, ठीक है। कितना आ गया ये, 7,200। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है ना, कितना रुपया, 3,000। अगर हम लोग दोनों माइनस कर दें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने का आ गया, 13,000, और ये उठा के आपने पुट कर दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, कोई दिक्कत की बात है।
आगे देखो, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में स्पेक्चुलेशन बिजनेस 1,50,000 का प्रॉफिट दिया है, उसको पुट कर। ठीक, नीचे देखोगे सी रिसीव 900 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, तो हमने अभी यहाँ नहीं लिखा था, ध्यान रखो कि एग्जेम्प्ट है। 900 रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड का, 900 रुपये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दियो, अदर सोर्स कितने का आ गया, 13,400। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? श्रीमती मनोरमा देवी ने क्लेम किया लास्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड स्पेक्चुलेशन लॉस 4,000 टू बी अलाउड सेटअप दिस। ठीक है, स्पेक्चुलेशन बिजनेस 1,50,000 का प्रॉफिट है, सेटअप हो गया उसमें से कितना, 4,000 रुपये। यहाँ की इनकम कितनी आ गई हमारी, 1,40,000। तो ध्यान रखोगे जब हम जीटीआई कैलकुलेट की तो हमारा जीटीआई कितने का आ गया, आ गया 3,24,200। यहाँ पर कोई डिडक्शन है नहीं एटीसी से टीयू में अंडर चैप्टर 6A की। ठीक है, तो हमारी टोटल इनकम भी सेम हो जाएगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, नोट कर लोगे आप, स्क्रीनशॉट ले लो अपने से, एक बार करो, एक बार वीडियो करो, पॉज करो। ठीक है, के बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय एक कंपनी में फर्निश कर रहा है फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 31 दिसंबर। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, दूसरे में जो कैलकुलेशन हो रहा है सैलरी का, कितने महीने के हो लिए और 9 मंथ। ठीक है, ध्यान रखोगे क्यों, 1 अप्रैल 31 दिसंबर तक की बात किया है। 30,000 रुपये की सैलरी है उसकी पर मंथ में, 9 मंथ की कितनी हो गई, 2,70,000। डीए चेक करोगे 5,000 रुपये पर मंथ है, 9 मंथ का कितना हो गया, 45,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 का है, 9 मंथ का कितना हो गया, 9,000। ठीक है, उसके बाद देखोगे प्रीमियम पेड बाई एम्प्लॉय टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑन अ पॉलिसी टेकन इन 2020 फॉर रुपीज 10,000 ऑन हिज लाइफ एंड फॉर हिज बेनिफिट 600। अब देखो 10,000 की पॉलिसी, 1,000 रुपये बेनिफिट कितने का है, 600, दोनों में जो लोअर है बेनिफिट कितने को रहा है, 600। आगे देखोगे इंटरेस्ट, सॉरी उसके नीचे प्रीमियम पेड बाय मिस्टर एक्स आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज ओन लाइफ 3,500। एटीसी डिडक्शन ले लेना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 400 रुपये है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 400 रुपये का अदर सोर्स में एडिशन कर देंगे। अपना घर है, ओन हाउस इन हिज ओन टाउन वॉज ऑक्यूपाइड बाय हिज ब्रदर इन लॉ फ्री ऑफ रेंट। एनुअल लेटिंग वैल्यू है उसकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 2,000 और म्यूनिसिपल टैक्स दिया 400 रुपये। भाई उनका ब्रदर इन लॉ रह रहा है, सेल्फ तो वो रह नहीं रहा है, 2,000 रुपये किराया आ गया, 400 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स अगर आपने माइनस कर भी दी, 16 रुपये एनएबी आ गया, 30% माइनस कर दियो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी 20। ठीक, यहाँ लिख लो डिडक्शन प्रॉपर, इसको पेपर में कायदे से लिख, 480 जब आपने माइनस कर दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, 1,120। तो हमने उठा के यहाँ पर लिख दिया हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 1,120। आगे देखिए आप, इंप्लॉयर ने प्रोवाइड किया स्मॉल कार बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज फॉर द अबव पीरियड, द मेंटेन एक्सपेंस आर मेड बाय द इंप्लॉयर, इंप्लॉयर पूरा खर्चा, स्मॉल कार है दोनों यूज है, 1,800 × 9 कर दिया कितना आ गया, ये 16,200। टोटल ग्रॉस सैलरी कितने की आ गई, 3,40,800 की, यहाँ से यहाँ तक आपने जब ऐड कर लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16,20 का माइनस कर दिया 50,000, कितना आ गया, 2,90,800। ताकि यहाँ पर यही क्या है हमारी पहला टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन अभी बताया गया आपको, पीजीबीपी है नहीं, कैपिटल गेन है नहीं, ठीक है, अदर सोर्स में केवल क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 2,92,300। डिडक्शन में देखोगे 3,500 रुपये खुद का प्रीमियम भरा उसने, और 600 रुपये का बेनिफिट उसके एम्प्लॉयर ने कराया है उसके एलआईसी के लिए, ठीक है, दोनों ऐड कर दिए 4,100 रुपये का, ये ईटीए में 400 रुपये डिडक्शन मिले आपको सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर आप चाहो इसको उठा के यहाँ पर लिख लो ईटीए
सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, 80C का 3500 LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हो गया, ठीक। फिर इम्प्लॉयर ने प्रीमियम पेड किया है, इसके लिए इसको पे किया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय, ठीक है, आपका टोटल इनकम आ गया 287,820। सैलरी की 298,800, हाउस प्रॉपर्टी की अदर सोर्स आई डिडक्शन, हो जाए के बता दीजिए, हम लोग आ जाएंगे। चलो फिर थर्ड पर आते हैं, हम लोग देखते हैं द फॉलोइंग आर पर्टिकुलर्स फर्निश्ड टू यू बाय द कंपनी ऑफिशियल एट विशाखापट्टनम इन रिगार्डिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड अमाउंट विच इज इंटाइटल टू डिडक्शन। सैलरी 20,000 की है, 12 महीने कितनी हो गई, 2,40,000। बोनस 20,000 है, 3 महीने कितना हो गया, 60,000 रुपया। कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 12% है सैलरी का, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट 9.5% है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है आपको 1,000 रुपये पर मंथ है, 12 महीने कितना हो गया, 12,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होता हो आप। फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया, वर्किंग नोट में आ जाओ सब लोग फटाफट। क्या बोला है, पॉपुलेशन है वहाँ की 22 लाख रुपये, 10% ऑफ सैलरी होगा। आप सैलरी की मीनिंग चेक करोगे, सैलरी मीन्स क्या हो जाएगा, बेसिक सैलरी, बोनस और इंटरटेनमेंट अलाउंस, तीनों ऐड कर दिए हम लोग, 40,000, 60,000, 12,000, ठीक है ना। दो लाख 40,000 हो, ठीक है भाई। तो हमारी टोटल सैलरी आ गई 3,12,000 रुपये, इसका 10% जब कैलकुलेट 31,200 हो गया है। आरएफए का वैल्यूएशन कितना हो गया भाई, 31,200। ग्रॉस सैलरी आ गई 3,43,200। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने माइनस कर दिया 50,000 रुपये का। कम फ्रॉम सैलरी कितनी आ गई, 2,93,200। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, पीजीबीपी है नहीं, कैपिटल गेन है नहीं, ठीक। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, अच्छा छठा पॉइंट में बोला ही पे लाइफ इंश्योरेंस ऑन ओन लाइफ 3,600 ऑन अ पॉलिसी ऑफ 30,000 टेकन इन 19। तो 30,000 का 10% 1,000 या 3,600 देखना यहाँ पर 3,000 रुपये लोअर है। कंट्रीब्यूशन किया था 12%, 28,800 सैलरी का, ठीक है। आगे पढ़ोगे माइनर सन का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है उसने, पॉलिसी 20,000 की है, अमाउंट कितने का 20 का है, तो 2,000 और केवल लोअर 850। तो टोटल 87 डिडक्शन को कितने मिला है, 32,650 का हमने उठाया, 32,650 यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट पढ़ोगे जब सातवां, ऑल्सो डिराइव फर्दर इनकम फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ग्रॉस कितने का है, 4,000 का। फिर एफडीए शेड्यूल बैंक की, उस पर इंटरेस्ट मिला 51,800 का। म्यूचुअल फंड पर इंटरेस्ट मिला है 2,600 का, टोटल कितना 58,400 का, कोई दिक्कत। तो 92,93,200 और 58,400 को ऐड कर दियो आप, कितना आ गया, 3,51,000। डिडक्शन अभी आपको मैंने पढ़ाया, 80C में कितना बन रहा है, कंट्रीब्यूशन किया 28,800 रुपये का, सैलरी का 12%,
है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसने, सरकार की पॉलिसी है पेमेंट 3600, तो पॉलिसी का 10% या 3600 लोअर थी। और यहाँ पर भी था, माइनर की जो पॉलिसी ली है 2000 रुपये या 850, केवल लोअर में 850 आ गया, तीनों ऐड कर दिए 32650 है, तो डिडक्शन हमको 32000, तो टोटल इनकम हमारी कितनी आ गई, 3,18,900। ठीक है, यहाँ तक सब लोग। फोर्थ पर आ जाओ सब लोग, डॉक्टर वर्मा इज अ टीचर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 20। देखोगे आप लोग बेसिक सैलरी 12 महीने की 12,000 है, 12 महीने का कितना आ गया, फिर डीए चेक करोगे 45% सैलरी का है, 1,44,000 का हम लोग, जब कैलकुलेट किए हैं कितना आ गया, 64,800। वार्डनशिप अलाउंस है 400, 12 महीने कितना आ गया, 4,800। ग्रॉस सैलरी कितनी गई, 2,13,600। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस कर दियो, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ गई, 1,000। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम लोग। देखोगे इंटर एग्जामिनेशन रेमुनरेशन था 3,000 रुपये, अदर सोर्स का पार्ट है, अदर सोर्स में हमने पुट कर दिया है। फिर रॉयल्टी बुक से कंप्यूट की गई 22,500, अदर सोर्स का पार्ट है, हमने पुट कर दिया इसको। फिर ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5,000 का है, अदर सोर्स का इनकम है, अदर सोर्स में आ गया है। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर्स है 3,000 रुपये, 3,000 रुपये यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, डिबेंचर आर इशूड बाय अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड आर नोटिफाइड। ठीक, फिर है डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी 2,500, ये सब ऐड हो गया यहाँ से यहाँ तक, कितना आ गया 30,000, ये 3,600 है आपका ये सब। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,60,000 कंप्यूटेड है, हमने उठा के कर दिया, कंप्यूट करने कोई रिक्वायरमेंट नहीं कंप्यूट। फिर देखोगे आप पीजीबीपी और अदर सोर्स, सॉरी कैपिटल गेन है नहीं, तो हमारा जीटीआई कितने का आ गया, 3,596। आगे देखोगे कह रहा कंट्रीब्यूशन किया है एसपीएफ में, कितना भाई 5,000 रुपये, 86 डिडक्शन ले लो आप। एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया 12,000 रुपये, 86 डिडक्शन, टोटल 86 डिडक्शन हमको मिल गया 17,000 का, है ना। फिर कह रहा है प्रीमियम पेड बाय चेक ऑन अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन दी हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट फादर 3,000, टीडी डिडक्शन ले लिया, अपने पिताजी का मेडिकल इंश्योरेंस है उसका। फिर डोनेशन अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 10,000 बाई चेक से, 50% लिमिटेड अमाउंट है। यहाँ लिखोगे अब जब 50% लिमिटेड है, कैलकुलेशन करेंगे आप जीटीआई का, जीटीआई में से माइनस करेंगे सारी डिडक्शन एक्सेप्ट एटीजी, 17 और 3 कितना हो तो गया 20, मैंने माइनस कर दिया, कैपिटल गेन है आ गया ये 3,39,600, इसका 10% कितना हो गया 33,960, टोटल डिडक्शन कितना ले सकते हैं 33,960, बट 50% है इसका लिमिटेड अमाउंट का, 16,980 या 5,000 रुपये बिचेवर लोअर, तो लोअर क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जो लोअर है वो है आपका 5,000, तो हमको 80 में डिडक्शन कितने का मिला, 5,000 रुपये का, हमारा टोटल इनकम कितना आ गया 3,46। पांचवा देखोगे सब लोग,
विजय कुमार की इम्प्लॉय है म्यूजिक हाउस कॉरपोरेशन एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर ऑन अ मंथली सैलरी ₹30,000 ही गेट डी ए एट 58 पर मंथ। ये ₹1,500 पर मंथ है, 12 महीने कितना हो गया 18,000 पहला। फिर सैलरी कितने की थी 30,000 की थी, 12 महीने कितना हो गया आपका 60,000 रुपये। इसमें कंट्रीब्यूशन 12% है भाई, ठीक है 43,200 एग्जम्प्ट होगा ये। इसके बाद इंटरेस्ट 10.5% है तो 1% टैक्सेबल हो गया, टोटल 2100 मिला है तो का 1% 1/10.5 कर दोगे क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, ध्यान रखना है इंटरेस्ट 10.5% 1% जब निकालोगे 1/10.5 करोगे ध्यान रखना 200 आपका टैक्सेबल, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। इंटरटेनमेंट अलाउंस 66,800 है, ग्रॉस सैलरी मानी आ गई 4,45,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिए 16,1 का 50,000 रुपया, टैक्सेबल सैलरी आ गई 3,95,000। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात हो बताएं, नोट कर लें। इसके बाद और कुछ है नहीं, इनकम फ्रॉम पीजीबी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी नहीं। सेकेंड में मैंने लिखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, देखोगे डिविडेंड मिला है टेल्को इक्विटी से ₹2,000 का, ठीक है डिविडेंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला कितना 500 का, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड है कितना ₹4,000, फिर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कितने का है ₹8,000 का है, फिर लॉटरी फर्स्ट प्राइज है यूपी स्टेट लॉटरी में ₹1,00,000 का। उसके बाद लिखा है ₹5,000 कार्ड गेम में उसने लॉस कर दिया, लॉस से कोई मतलब नहीं, इन सबको आपने ऐड कर दिया अदर सोर्स कितने का आ गया 1,14,500 का। जब GTI कैलकुलेट कर दिए हो कितना आ गई है 5,09,500 की, ठीक है 80C में RPF में कंट्रीब्यूशन उसका 12% है 43,200 का, माइनस कर दियो हमारा टोटल इनकम आ गया 4,00,000। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो तो लिख के जरूर सॉल्व, अगर लिखेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आ जाते फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी है नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आओ डॉक्टर ICR दास है, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं क्वाल्टियर, ही फर्निश दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर दी प्रिपेयरिंग ऑफ हिज इनकम फॉर दी सेशन। देखो कि ग्रॉस रिसिप्ट है डिस्पेंसरी की 2,35,000, फिर रिसिप्ट कंसल्टेशन से कितना है, कंसल्टेशन से है 2,75,000 रुपये, विजिटिंग फीस है 80,000, टोटल कर लिए कितना आ गया, ये है आपका टोटल माइनस कर दिए इसमें से कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कितने का है 70, फिर सैलरी एंड अलाउंस टू डिस्पेंसरी स्टाफ 22,500 का, फिर डेप्रिसिएशन है इंस्ट्रूमेंट पर कितना 15% है, इंस्ट्रूमेंट 30,000 का उसका 15% निकाले 4,500, विजिटिंग फीस या विजिटिंग एक्सपेंसेस कितने के 25,000 के हैं, 12,500 की बुक है पर डेप्रिसिएशन 40% का कितना भाई 5,000 रुपये, लोकल टैक्स 2,000 है जिसमें से 1,000 रुपये का क्या हो गया भाई आधा, दो यूनिट है आधा घर यूज करा है तो जो टैक्स का आधा पार्ट है वो पर्सनल है और आधा बिजनेस हो गया, आधा हमने बिजनेस वाला माइनस कर, रिपेयर मेंटेनेंस भी देखो टोटल 10 का है जिसमें आधा सेल्फ है ऑक्यूपाइड हाउस का है हाफ हो गया। ध्यान रखो जब ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल माइनस कर दिए हो आप तो हमारा नेट इनकम कितना निकल के आया 4,50,000, ठीक है कैपिटल गेन की कोई इनकम है नहीं, अदर सोर्स चेक कर लोगे 35,000 रुपये का,
ठीक है, सबसे नीचे देखोगे अदर ड्यूरिंग द ईयर दे दिया 35,000 रुपये, तो हमारी जीटीए कितनी आई, 4,85,000। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सेवेंथ में आ जाएंगे, इसके बाद हम लोग लिखो सबसे पहले कम फ्रॉम है नहीं, इसमें देखो सेवेंथ में श्री भगवान रावत है, ठीक है, एंड एमपी फ्रॉम, उनके पास घर है, मंथली रेंट 2,000 का है, 2,500 रुपये रिपेयर में खर्च करते हैं, सबलेट हो गया 1/2 पोर्शन हाउस का अपने फ्रेंड को 1,200 रुपये। ओन्स एन अदर हाउस बीच हैज रेंटेड मंथली रेंट 1,500, रेंट 5,000 ऑन। देखो एक चीज, सबलेटिंग की जो बात होगी ये कहाँ टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा अंडर हेड कम फ्रॉम अदर, है कि नहीं, 1,185, 1,200 रुपये, 12 महीने के रेट से 14,400 हो गया। रेंट 2,000 का था, आधा वो पे कर रहा है, ठीक है, 1,000 12 महीने कितना हो गया, 12,000 रुपये। रिपेयर 2,500 का था, उसका आधा 1,250, इनकम कितनी हो गई, कहाँ टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ध्यान दोगे ये आ गया आपका 1,150, 1,500 रुपये पे उसने खुद किराए पर उठाया है, 18,000 रुपये पर मंथ हो गया, सॉरी ईयरली हो गया, म्यूनिसिपल टैक्स दिया नहीं है, एनएबी हो गया, इसमें 30% माइनस कर दिया आपने 5,400। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने की आ गई, 12,600 की। इसमें ध्यान देना भाई, इट टुक अ हाउस ऑन अ मंथली रेंट, उसने एक घर लिया है रेंट पर, ध्यान देना। उसके बाद नीचे वाला देखो, ही ओन्स एन अदर हाउस, सेकेंड लाइन में लास्ट से, ठीक है, तो 1,500 रुपये मंथली रेंट पर वो उठाया है और लिया है। अगर तुमने घर ले लिया है, किराए पर उठा दिए हो, सबलेट कर दिए, जो इनकम है टैक्सेबल कहाँ है, अदर सोर्स में, बट तुम्हारा घर है उसका खुद का रेंट आ रहा है, वो कहाँ टैक्सेबल, हाउस प्रॉपर्टी में। इस बात को आपको ध्यान रखना, यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई, 12,600। ये लिखना है आपको इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है नहीं, फिर आपने लिखना है इनकम फ्रॉम कैपिटल है नहीं, है अदर सोर्स में 1,150 हो गया। आगे देखेंगे हम, सैलरी है एमपी की 11 से 90,000 का, सैलरी है 6 लाख का, सैलरी टैक्सेबल है अदर सोर्स में, अलाउंस क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर आगे देखो, डिविडेंड मिला है कॉपरेटिव सोसाइटी से 8,000, लॉटरी कितने का है, 17,500 का है, ये नेट है, इसको हमने क्या कर दिया, ग्रॉस बनाया, कितना आ गया, 25,000 ग्रॉस, कैसे बना, 17,500 का मल्टीप्लाई किए 100 से और डिवाइड कर दिए किससे भैया, 70 से, ठीक है, क्योंकि 30% टैक्स कट जाता है, माइनस हो गया था वो, तो हमको टोटल कितना मिला, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कितना, 5,000 है। कार्ड गेम चेक कर लो भाई, कार्ड गेम से लॉस है 4,000 रुपये का, तो हम लोग क्या कर दिए हैं, कैरी फॉरवर्ड। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट 1,000 का है, एफडी पर इंटरेस्ट 4,000 का है, ठीक है, सब टोटल कर दोगे 6,44,150 का अदर सोर्स का इनकम है, और 12,600 हाउस प्रॉपर्टी का ऐड कर दिए, 6,56,750 आ गया। डिडक्शन कोई मिलनी नहीं है आपको यहाँ पर 86 से टीयू में, टोटल इनकम कितनी आ गई, 656।
आठवें देखते हैं हम लोग, कम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। देखोगे मिस्टर बी रॉय प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च, टैक्सेबल प्रॉफिट है पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस से 90,000 रुपये, टैक्सेबल प्रॉफिट है डेयरी बिजनेस से कितने का 70,000। फिर नीचे देखोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से प्रॉफिट है 2,60,000 का। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आगे देखेंगे हम लोग। डिविडेंड है कॉपरेटिव सोसाइटी से 2,700 का, अदर सोर्स का पार्ट है, आप इसको उठा के अदर में। फिर डिविडेंड है डोमेस्टिक कंपनी से 2,585 का, इसको भी ऐड कर दोगे। फिर यूनिट है, इनकम है यूनिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड से 2,500 रुपये का। फिर नीचे सेल प्रोसीड है, रेजिडेंशियल हाउस है 3,12,750 का, परचेज किया था 95 में 70 का, 5,000 रुपये इसके रजिस्ट्रेशन, मार्केट वैल्यू 72,000 की है 1 2001 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल प्रोसीड 3,12,750 का था, आई कोआ निकाले हम लोग नीचे, है ना। दोनों वैल्यू जब परचेज किया था 2001 की, दोनों बेनिफिशियल ज़्यादा क्या है 75, तो आई कोआ मानोगे, इंडेक्सेशन करोगे इसका करेंट ईयर का और 2001 का, वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, प्रेजेंट में वैल्यू हो गई। तो सेल प्रोसीड में आई को माइनस कर दियो, वो 75,000 रुपये का क्या आ गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मिस्टर रॉय रिजाइड इन दी रेंटल बंगला बंगलो एट इंदौर फॉर विच ही पे 3,500 पर मंथ, ठीक है भाई आ जाओ। बेंगलो की जो बात है उससे भी हमारा कोई मतलब है नहीं, बात बाद में करते। आओ देख लेते, 80 GG की जब डिडक्शन लेनी है, तीन प्रोविजन है उसमें, तीनों में जो कम होगा जैसे कार्य में पड़ता है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव है 3,500 पर मंथ का, तो 12 महीने में आपको कितना मिल गया 42,000, है ना। फिर दूसरा प्रोविजन क्या है, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटी, तो आपने एडजस्टेड जीटीआई निकाला है, आपकी जीटीआई है ये, है ना। आप चेक करो डिडक्शन एक्सेप्ट 80 G, अगर आप देखो एनएससी में कंट्रीब्यूशन किया 6,000 का, 6,000 माइनस कर दिया मैंने, कैपिटल गेन 75 का माइनस कर दिया, ये आ गई आपकी एडजस्टेड इनकम। तो हम लोग 25% एडजस्टेड इनकम का कैलकुलेट किए, 3,30,885 का 25%, 82,721.25 आ गया। फिर रेंट पेड कितना है देख लोगे सब लोग, कितना रेंट पेड कर रहा है 3,500। तो 12 महीने का 42,000 पे कर दिया, 10% एडजस्टेड जीटीआई का जब मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10% 3,30,885 का 33,88.5, ठीक है। अब देखो कि माइनस कर दियो 8,911 हो गया, इन तीनों में सबसे कम क्या है, यही लीस्ट है, यही एग्जेम्प्ट हो गया, और इसका डिडक्शन हमको मिल गया यहाँ पर 8,911 का, ठीक है भाई। ये वर्किंग नोट, आगे आ जाओ। लॉस है प्रोडक्शन बिजनेस, सब
डिडक्शन या बिफोर डिडक्टिंग अलाउबल डेप्रिसिएशन 21, ठीक है भाई, 49 का है। तो देखोगे अगर आप लोग 49 प्लस 21 टोटल कितना, 70 का लॉस है क्रॉस के बीच। फिर ब्रॉट डाउन लॉस दिया है प्रीवियस ईयर का 32,000 रुपये। ये दोनों जब आपने सेटअप कर लिया है, आपका बिजनेस इनकम आ गया 3। कैपिटल गेन अभी मैंने आपको समझा दिया। फिर इंटरेस्ट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पर, ठीक है, कितना है, 1500। ये क्या है आपका एक। फिर इंटरेस्ट अक्रूड है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 6,000 रुपये, ऐड कर लिया मैंने, 13,885 का अदर सोर्स की इनकम आ गई, 75,000 का कैपिटल गेन का आ गया, 3,23,000 का बिजनेस का। अगर जीटीआई देखोगे 4,11,885 हो गया, एनएससी का कंट्रीब्यूशन और 80GD का डिडक्शन माइनस कर दो, कितना आ गया, 3,00,000। तो लिख लें आज की बात हम लोग की यहीं तक की है, आगे की बात बाद में किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहले हम लोग लगा लें, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना सब लोग को आता है, उसके बाद मैं बात करता हूँ।